हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? तो दोस्तों, आज बनाऊंगा मैं पहाड़ी स्टाइल में चिकन करी। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक मुर्गा लिया है, वो भी विद स्किन। तो सबसे पहले मैं इसको रोस्ट कर लूँगा चूल्हे में, बढ़िया से इसको सेक दूँगा और इसको हमें ज़्यादा नहीं सेकना है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने खड़े मसाले लिए हैं और इसको मैं अच्छे से क्रश कर लूँगा, जिससे कि हमारे खड़े मसाले छोटे छोटे हो जाए। ये मैंने इसमें सारा डाल दिया है। अब इसको मैं हल्के से क्रश करूँगा और ये हमारे क्रश हो गए हैं और आप देख सकते हैं हमारा मुर्गा भी अच्छे से आग में सेका जा रहा है, आप देख सकते हैं। और थोड़ा इसको पलट देंगे। तो दोस्तों, हमें ज़्यादा नहीं सेकना है, आप देख सकते हैं मैंने कितना सेक रखा है। तो ये मैंने निकाल दिया है अभी अभी, हमारा परफेक्ट सेक दिया है हमने। तो चलो दोस्तों, इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम अच्छे से काट देंगे और इसके अंदर के सारे आटे वगैरह भी निकाल देंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं यहाँ पे अभी चिकन की कटिंग कर रहा हूँ। तो दोस्तों, जो स्टाइल है ये पहाड़ी स्टाइल है, पहाड़ी स्टाइल में इसको बनाऊँगा। और ये हमारा चिकन कट के तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं। ज़्यादा छोटे पीस भी नहीं किए मैंने, नॉर्मली पीस काटे हैं। तो चलो दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ली है और बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें डालूँगा मैं सबसे पहले कढ़ाई को गर्म कर दूँगा और उसके बाद इसमें डालूँगा मैं ऑयल। और ये मैंने इसमें तेल डाला है। अब इसमें डालूँगा दोस्तों मैं खड़े मसाले जो मैंने क्रश करके रखे हैं। और हमारे खड़े मसाले अच्छे से पक गए हैं। अब इसमें की है मैंने डाइस कटी हुई ग्रीन चिल्ली और इसको भी मैं अच्छे से भून लूँगा। अब इसमें डालूँगा मैं प्याज, मैंने कुछ चॉप किया है और कुछ प्याज मैंने जूलियन कट में काट रखा है। और इसको भी अच्छे से मैं टॉस कर लूँगा और अच्छे से ब्राउन कर दूँगा, आप देख सकते हैं दोस्तों। और मैं यहाँ पर चूल्हे में बना रहा हूँ पहाड़ी स्टाइल में। और आप पहले से देख सकते हैं कि हमारा प्याज अच्छे से ब्राउन हो गया है। अब इसमें डालूंगा मैं टमाटर जो मैंने बारीक काट रखे हैं और टमाटर को भी अच्छे से भून दूंगा, आप देख सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों, मैं इसमें डालूंगा नमक, जिससे कि हमारा प्याज टमाटर अच्छे से गल जाए। और ये डाला मैंने इसमें नमक, थोड़ा सा मैंने हॉट डाला और इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, पहले से हमारा ग्रेवी अच्छे से पक गई है। और इसमें डाल रहा हूँ मैं अभी जिंजर गार्लिक का पेस्ट और इसको भी अच्छे से मिक्स कर दूंगा। तो दोस्तों, ग्रेवी हमारी तैयार हो गई है, आप देख सकते हैं। मसाले डालना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने डाले मिक्स मसाले, इसमें सारे मसाले मिक्स है। और ये लिया मैंने किचन किंग और ये लिया मैंने चिकन मसाला हल्का सा और हल्का सा गरम मसाला, आप देख सकते हैं दोस्तों। और हल्का सा मैंने चिकन मसाला थोड़ा हॉट डाल रहा हूँ इसमें और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो दोस्तों, ग्रेवी हमारी तैयार है। अब डालेंगे इसमें हम थोड़ा पानी, थोड़ा सा पानी हो डाल देंगे और ये डाला पानी और इसको अच्छे से पकाएंगे। और अब ऐड करेंगे दोस्तों इसमें हम थोड़ा सा अदरक जो मैंने बारीक स्लाइस कट में काट रखे हैं, इससे हमारा थोड़ा ग्रेवी में अच्छे से अदरक का फ्लेवर आ जाएगा। तो दोस्तों, ग्रेवी हमारी तैयार है। अब इसमें ऐड करेंगे हम भुना हुआ चिकन और इसमें मैंने चिकन डाला और ये सारा चिकन डाल दिया है। अब इसको दोस्तों हमें 2-3 मिनट तक अच्छे से भुनना है ग्रेवी के साथ।
क्योंकि ऑलरेडी पहले हमने ये रोस्ट कर रखा है, अच्छे से आग में सेक रखा है। और इसको अच्छे से अगर 3 मिनट तक भूनेंगे तो हमारा चिकन तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों पहले से आप देख सकते हैं हमारा चिकन कितना अच्छा लग रहा है। तो अब इसमें डालेंगे हम पानी। थोड़ा सा पानी और डाल देंगे और आप देख सकते हैं दोस्तों हमने इसमें अभी पानी डाल दिया है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। थोड़ा नमक हमने पहले भी डाल रखा है, नमक थोड़ा कम ही डालेंगे। और इसको अच्छे से बॉईल कर देंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारा ग्रेवी बिल्कुल तैयार हो गई है। अब इसमें डालेंगे, मैंने यहाँ पे फ्रेश अमूल क्रीम ली है और थोड़ा सी अमूल क्रीम भी डाल दूँगा मैं यहाँ पे। फ्रेश अमूल क्रीम ये मैंने यहाँ पे डाला और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी रेसिपी पहाड़ी स्टाइल में? दोस्तों लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।